पिछले मॉड्यूल में आपने जाना कि शौकिया पक्षी प्रेक्षण या बर्डिंग क्या है। इसके साथ ही आपने राजस्थान के कुछ सामान्य पक्षियों के नाम भी जाने। आपने ये भी जाना कि अगर कोई अनजान पक्षी दिखे तो उसे पहचानने के लिए क्या करना होगा। आइए इससे आगे की कुछ बातें इस मॉड्यूल में जानते हैं। कुछ जातियों के नाम जानने के बाद आपके दिमाग में प्रश्न उठता होगा कि दुनिया में पक्षियों की कुल कितनी जातियाँ हैं, इनमें से हमारे देश में कितनी पाई जाती हैं और मेरे राज्य में इनमें से कितनी मिलती हैं, इन जातियों को नाम कैसे दिए जाते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले ये जान लें कि जाति किसे कहते हैं। मोटे रूप से जाति एक ही प्रकार की और आपस में प्रजनन की क्षमता रखने वाले पौधे या जंतुओं का एक वर्ग है। यहाँ एक ही प्रकार की अभिव्यक्ति पर गौर कीजिए, क्योंकि एक ही प्रकार के का आशय एक से रंग रूप और आकार से भी होता है और एक से अनुवांशिकता या पैतृकता वाले समूह से भी हो सकता है। पिछले मॉड्यूल में हमने जाना कि एक ही जाति के नर और मादा रंग रूप में आपस में भिन्न हो सकते हैं। पक्षियों में बहुत सी जातियों में प्रजनन के मौसम में और इसके बाद रंग रूप में परिवर्तन देखने को मिलता है, जैसा कि आप इस कैटल ईग्रेट में देख पा रहे होंगे, जिसके पंख प्रजनन ऋतु में बफ कलर यानी पीले भूरे रंग के हो जाते हैं और प्रजनन ऋतु के बाद ये सफ़ेद रंग के होते हैं। इसका आशय यह तो नहीं कि ये दो भिन्न जातियां हैं, नर व मादा दोनों एक ही जाति के हैं, क्योंकि ये आपस में प्रजनन कर सकते हैं। जाति की एक सटीक तकनीकी परिभाषा देने में भले ही दिक्कत हो, पर मोटे तौर पर हम समझते हैं कि जाति, जिसे अंग्रेजी में स्पीशीज कहा जाता है, क्या है। पिछले मॉड्यूल में हमने जाना कि प्रत्येक जाति को एक वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। पौधों के वैज्ञानिक नाम को बॉटनिकल नेम और जंतुओं के वैज्ञानिक नाम को जूलॉजिकल नेम कहा जाता है। यों तो सब देशों और भाषाओं में पौधों और जंतुओं को अलग अलग नाम दिए गए हैं, परंतु सामान्य नामों की ये कमी है कि इनमें कभी कभी तो एक ही जाति के कई नाम दे दिए जाते हैं, तो कभी एक से अधिक जातियों को एक ही नाम से पहचाना जाता है। उदाहरण के लिए, बाज एक ऐसा सामान्य नाम है जो बहुत से शिकारी पक्षियों की अनेक जातियों के लिए काम ले लिया जाता है। तेंदुए को गुलदार, बघेरा, नाहर जैसे नाम से भी जाना जाता है और अंग्रेजी में इसे लेपर्ड या पैंथर कहा जाता है, पर इसका वैज्ञानिक नाम पैंथरा पार्डस है, जो सब देशों और सब भाषाओं के लिए एक ही है। पिछले मॉड्यूल में आपने जाना था कि गौरैया विश्वव्यापी जाति है। इसे भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, पर इसकी जाति को पैसर डोमेस्टिकस के जूलॉजिकल नाम से सभी देशों में जाना जाता है। जीवों को इस तरह के नाम देने की विधि कार्ल फोन लिने नामक जैव वैज्ञानिक ने प्रस्तावित की थी और ये सब देशों के लिए एक ही है। वैज्ञानिक नाम देने के नियम एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाती है ताकि अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से ज्ञात जीवों को एक ही नाम दिया जा सके और किसी तरह का भ्रम भी ना हो। इस पद्धति में हर जाति का नाम दो पदों या शब्दों में दिया जाता है। पहला पद जाति का वंश होता है तथा दूसरा उस वंश में उस जाति की विशेषता बताने वाला विशेषण यानी एडजेक्टिव होता है। वंश का नाम अद्वितीय होता है, यानी एक वंश का जो नाम दे दिया जाता है वह जंतुओं के किसी अन्य वंश को नहीं दिया जाता है। एक वंश के अंतर्गत कई जातियां हो सकती हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे गौरैया के वंश का नाम पैसर है और इसकी जाति डोमेस्टिकस है, इसका पूरा नाम होगा पैसर डोमेस्टिकस। गौरैया के पैसर वंश की लगभग 28 जातियां ज्ञात हैं। भारत के पहाड़ी भागों में मिलने वाली गौरैया, जिसे पहाड़ी गौरैया कहा जाता है, उसकी जाति मोंटेनस है, इस तरह इसका पूरा नाम होगा पैसर मोंटेनस। इस तरह जाति का नाम अद्वितीय या यूनिक हो जाता है। दो पदों में जातियों का नाम रखने की इस विधि को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या द्विपदीय नाम पद्धति कहते हैं।
इन नामों को लेटिन भाषा में रखने या लैटिनीकृत करने का नियम है। अतः इन्हें वैज्ञानिक नाम के अलावा कभी कभी लैटिन नाम भी कह दिया जाता है। और नाम पद्धति को इसे प्रतिपादित करने वाले लिने के नाम से लिनियन नोमेनक्लेचर भी कह दिया जाता है। वैज्ञानिक साहित्य में द्विपदीय जाति के नाम के बाद उस जाति के नाम को प्रतिपादित करने वाले या उस जाति का पहली बार वर्णन करने वाले ऑथर या वैज्ञानिक का नाम भी लिखा जाता है, ताकि कोई भ्रम शेष न रह जाए। जैसा कि हमने पहले कहा है, इन मॉड्यूल्स में हम पक्षियों को उनके सामान्य अंग्रेजी नामों से जानेंगे, जिन्हें भी लंबे प्रयासों के बाद वैज्ञानिक नामों की तरह ही यूनिक या अद्वितीय बनाने का प्रयास बहुत हद तक सफल हो रहा है। लैटिन नामों के बजाय अंग्रेजी नाम याद रखना ज़्यादा सरल होता है, खास तौर पर अंग्रेजी जानने वाले लोगों के लिए, या अगर आप लैटिन के मुकाबले अंग्रेजी ज़्यादा जानते हों। अंग्रेजी नामों में जाति का नाम द्विपदीय ना होकर किसी एक प्रकार के पक्षी की सामान्य आंखों से दिखने वाली विशेषता को बताने वाला होता है। जैसे ईग्रेट जलाशयों के पास मिलने वाला एक सफ़ेद पक्षी है, तो इसकी एक जाति जो आकार में सबसे बड़ी होती है उसे लार्ज ईग्रेट कहा जाता है। एक छोटे आकार की जाति को लिटिल ईग्रेट कहा जाता है। इसके बीच के आकार की जाति को इंटरमीडिएट ईग्रेट कहा जाता है। आकार के अलावा इनके व्यवहार, रंग, शरीर में मिलने वाली किसी विशेष संरचना, पाए जाने के स्थान से भी इन्हें नाम दे दिया जाता है। इन्हें भी उदाहरण से समझते हैं। जैसे पहाड़ी भागों में मिलने वाली मैना को हिल मैना नाम दे दिया गया है। काले सर वाली बुलबुल को ब्लैक हेडेड बुलबुल कहा गया। प्लम के फल के रंग के सिर वाले तोते को प्लम हेडेड पैराकीट नाम दे दिया गया। लंबी पूंछ वाले श्राइक को लॉन्ग टेल्ड श्राइक नाम दे दिया गया है। कलंगी वाली बंटिंग चिड़िया को क्रेस्टेड बंटिंग नाम दिया गया। इसी तरह एक टिटहरी जिसकी चोंच के पास लाल बाली या पल्लव जैसी संरचना मिलती है, उसे रेड वेटल्ड लैपविंग कह दिया जाता है। तो पीले रंग की बाली या पल्लव जैसी संरचना धारण करने वाली टिटहरी को येलो वेटल्ड लैपविंग कह दिया जाता है। एक जाति को उसकी सफ़ेद आँखों और विश्व के पुरातन हिस्से में पाए जाने के कारण ओरिएंटल वाइट आई नाम दे दिया गया है। पक्षियों के एक प्रकार को युहिना नाम दिया जाता है। इसकी कोई 10 जातियां भारत में पाई जाती हैं। इनमें से जिसके चोंच के पास मूछों जैसा निशान मिलता है, उसे विस्कर्ड युहिना नाम दे दिया गया है। इस तरह अंग्रेजी भाषा की थोड़ी समझ होने पर ये सामान्य अंग्रेजी नाम कठिन नहीं लगेंगे। इन्हें जानने का एक यह लाभ है कि बहुत से देशों में जहां अंग्रेजी प्रमुख भाषा है या जहां अंग्रेजी भाषा का चलन है, वहां के लोग इन नामों को समझ सकते हैं। अगर आप हिंदी नाम या स्थानीय बोलियों के नाम जानते हों या जानना चाहें, तो आप स्थानीय लोगों को भी अपने अनुभव का लाभ दे पाएंगे। जाति या स्पीशीज की परिभाषा जानने, जंतुओं के मानक या अद्वितीय वैज्ञानिक नाम रखने की आवश्यकता जानने के बाद हम अपने अगले प्रश्न पर लौटते हैं कि दुनिया में पक्षियों की कितनी जातियां हैं। यों तो संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि वर्गीकरण करने वाले जाति की कौन सी संकल्पना लेकर चलते हैं, परंतु यह कहा जा सकता है कि विश्व में पक्षियों की लगभग 10,700 जातियां ज्ञात हैं। इनमें हाल ही में और बहुत पहले लुप्त हुई जातियाँ शामिल नहीं हैं। इनमें से हमारे देश में लगभग 1300 पक्षियों की जातियां पाई जाती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विश्व में मिलने वाली कुल जातियों की लगभग 11% जातियां हमारे देश में पाई जाती हैं, जबकि हमारे देश का भूभाग विश्व के मुकाबले सिर्फ 2% है। इसका अर्थ है कि हमारा देश पक्षियों की दृष्टि से एक समृद्ध देश है। हमारा देश पक्षियों की जातियों की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि स्तनियों, सरीसृपों आदि की दृष्टि से भी एक समृद्ध देश है। दुनिया में 17 ऐसे देश हैं जिन्हें मेगा बायोडायवर्सिटी कंट्रीज कहा जाता है। भारत इनमें से एक है।
आप देखेंगे कि दुनिया के 11% भूभाग वाले रूस और 6% भूभाग वाले कनाडा जैसे देश इस सूची में शामिल नहीं है। आपको यह जानने की भी उत्कंठा होगी कि हमारे राज्य राजस्थान में पक्षियों की कितनी जातियां पाई जाती हैं। इसका उत्तर है लगभग 500, यानी भारत में मिलने वाली कुल जातियों का लगभग 38%। यह बहुत अच्छा प्रतिशत है, इसीलिए राजस्थान राज्य में प्रकृति अध्ययन या नेचर गाइडिंग का अच्छा स्कोप है। 10,000, 1,300, 500 का आंकड़ा जानकर आपको लगेगा कि इतने पक्षियों को जानना तो बहुत कठिन काम होगा। एक बार एक पक्षी को देख लेने पर इतने सारे पक्षियों में आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? पहले तो ये समझ लें कि पहले दिन से ही सभी पक्षियों को जान लेना जरूरी नहीं। दूसरी बात यह है कि आप पाएंगे कि इतने सारे पक्षी एक दूसरे से हर मायने में एकदम अलग नहीं होते हैं। बहुत से मोटे तौर पर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और इन्हें हम किसी सामान्य नाम से जानते हैं, जैसे तोता, मैना, बगुला, टिटहरी, कबूतर, बुलबुल, तीतर, पटेर, बतख, हंस। इन्हीं की कई जातियां मिलती हैं, यानी तोतों की कई जातियां, मैना की कई जातियां। लेकिन हम किसी तोते को देखें तो इतना भर बता सकते हैं कि ये तोता है या तोते से मिलता जुलता है। सामान्यतः एक सी जातियों को एक वंश या जीनस में और एक से वंशों को एक परिवार या फैमिली में और एक सी फैमिलीज को एक गण या ऑर्डर में वर्गीकृत किया जाता है। एक से ऑर्डर्स को एक क्लास में रखा जाता है। पक्षियों की क्लास एवीस है। इसका आशय यह हुआ कि पक्षियों को ऑर्डर्स और फैमिलीज में बांटा जाता है। क्योंकि हमारा उद्देश्य प्राणी शास्त्र का गंभीर और शास्त्रीय अध्ययन करना नहीं है, इसलिए हम पक्षियों को इस तरह से वर्गीकृत कर समझने की बजाय उनके पाए जाने के स्थान, उनके क्रियाकलाप और रंग रूप में वर्गीकृत करने का प्रयास करेंगे, जो अंततः हमें वैज्ञानिक वर्गीकरण के नज़दीक लाएगा और वैज्ञानिक वर्गीकरण को समझने में हमारी सहायता भी करेगा। जो पक्षी उड़ नहीं सकते उन्हें फ्लाइटलेस बर्ड्स कहा जाता है और जो उड़ सकते हैं उन्हें फ्लाइंग बर्ड्स कहा जाता है। एम्यू, शुतुरमुर्ग, कैसोवरी, रिहा, कीवी, पेंगुइन, ये सभी फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं। हमारे देश में प्राकृतिक रूप से कोई फ्लाइटलेस बर्ड नहीं पाई जाती है। बहुत से पक्षी जलाशयों यानी तालाबों, झीलों, नदियों, समुद्र आदि के पास पाए जाते हैं। जो पक्षी पानी में या उसके आसपास पाए जाते हैं उन्हें एक्वेटिक या वाटर बर्ड्स कहा जाता है। यानी किसी पक्षी को आपने पानी में या उसके किनारे देखा है तो आप समझ सकते हैं कि आप उस पक्षी की पहचान में एक कदम तो आगे बढ़ ही गए हैं। बतखें, गीज, हंस, हवासील, स्टॉर्क, फ्लेमिंगो, जल मुर्गियाँ, गल्स, किंगफिशर जैसे पक्षी पानी के आसपास या पानी में ही दिखते हैं। इनमें से कुछ एक्वेटिक बर्ड्स पानी के किनारे ही भोजन ढूंढते हैं और गहरे पानी में नहीं जाते हैं। ऐसे पक्षियों को शोर बर्ड्स या वेडर्स कहा जाता है। कुछ पक्षी प्राकृतिक रूप से शिकारी होते हैं। इनके पंजे और चोंच मजबूत होते हैं ताकि शिकार को मजबूती से पकड़ सकें और उसका मांस नोच कर खा सकें। ये तो आप जानते ही हैं कि पक्षियों में स्तनियों या सरीसृपों की तरह दांत नहीं होते हैं, इसलिए ये शिकार को चबाकर नहीं खाते हैं, बल्कि या तो पूरा निगल जाते हैं या मजबूत पंजों से उसे दबाते हैं और फिर चोंच से मांस खींच कर टुकड़े करके खाते हैं। ऐसे शिकारी पक्षियों को नेचुरलिस्ट रैप्टर्स या बर्ड्स ऑफ प्री कहते हैं। जो पक्षी दिन में भोजन ढूंढते हैं और खाते हैं उन्हें दिवाचर या डायर्नल कहा जाता है, और जो पक्षी रात्रि में भोजन ढूंढते हैं उन्हें रात्रिचर या नॉक्टर्नल कहा जाता है। उल्लू और चिपक रात्रिचर पक्षी होते हैं। जो पक्षी मृत जानवरों का मांस खाते हैं उन्हें स्कैवेंजर्स कहा जाता है। गिद्ध प्रमुख स्कैवेंजर्स हैं। सिर्फ जंगलों में पाए जाने वाले पक्षियों को फॉरेस्ट बर्ड्स और सिर्फ पहाड़ों में पाए जाने वाले पक्षियों को हिल बर्ड्स कह दिया जाता है। जो पक्षी मधुर गायन करते हैं उन्हें सॉन्ग बर्ड्स कहा जाता है।
इसी तरह से घास के मैदानों को तरजीह देने वाले पक्षियों को ग्रासलैंड बर्ड्स कह दिया जाता है और मरुस्थल में पाए जाने वाले पक्षियों को डेजर्ट बर्ड्स कहा जाता है। खाने की पसंद के हिसाब से मछलियां खाने वाले पक्षी पिसिवोरस तो फल खाने वाले फ्रूगिवोरस कहलाते हैं। ऑस्प्रे, पेलिकन, जल कौवे प्रमुखतः मछली खाने वाले पक्षी हैं। हर साल लंबी दूरी तक उड़कर आने वाले और वापस लौट जाने वाले पक्षी माइग्रेटरी बर्ड्स कहलाते हैं। माइग्रेशन के विषय में हम एक अलग मॉड्यूल में चर्चा करेंगे। पक्षी कहाँ घोंसला बनाता है इस आधार पर भी उन्हें पहचाना जाता है। जैसे पेड़ की कोटरों में घोंसला बनाने वाले पक्षी कैविटी नेस्टिंग बर्ड्स कहलाते हैं। तोते, कठफोड़वे, हॉर्नबिल पेड़ की कोटरों में घोंसले बनाते हैं, इसलिए ये कैविटी नेस्टर्स हैं। कुछ सीधे जमीन पर घोंसला बनाते हैं तो कुछ मिट्टी की दीवारों में छेद कर अपना घोंसला बनाते हैं तो कुछ दूसरे पक्षी पत्तियों को सिलकर, जैसा इस दर्जन चिड़िया ने बनाया है। पया के घोंसलों को तो आप सबने देखा होगा। तो इस तरह पक्षियों का परीक्षण कर आप उनके व्यवहार को समझ सकते हैं और प्रकृति के बारे में आपको रोचक तथ्य पता चलते हैं। ऐसे ही कुछ और रोचक तथ्यों को हम अगले मॉड्यूल में जानेंगे।